उड़े उड़े रे गुलाल मारा माड़वा में। रेत में भांग क्यों घोलो है भैया, जो कई रापट रोलो है। के हूँ तो पछते हो क्यों, परने लायो वैसी छोरी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और देश भर में होली की धूम शुरू हो चुकी है। जहां देखो वहां प्रेम का रंग हर तरफ बरस रहा है। होली पर अपने दोस्तों को, और दोस्त ही नहीं बल्कि ऐसे शख्स को जो हमसे अनजान है, उन्हें रंग लगाने की होड़ मची हुई है। और सभी दूर मतवालों की टोली इस होली के महोत्सव को और भी रंगारंग बनाने के लिए निकल चुकी है। ऐसे में होली का क्षेत्रीय भाषाओं में क्या महत्व है, होली को क्षेत्रीय भाषाओं में किस तरह से देखा जाता है, मनाया जाता है, और हम जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि ब्रिज में, अवधी में, मैथिली में और देश की जितनी भी बोलियां और भाषाएं हैं उनमें होली को समाहित करने की, साहित्य में उतारने की एक कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में टैलेंटेड इंडिया पर आज आप सभी के लिए हम पेश कर रहे हैं मालवी हास्य कवि सम्मेलन, जहाँ एक ऐसी पेशकश जो हमें अपनी बोली के और करीब ले जाती है, जो हमें मालवी भाषा का साहित्य में जो महत्व है उसे समझाती है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर हम अपनी बोली से, हम अपनी क्षेत्रीय उस बोली से जिसमें पले बढ़े और आज तक विकसित होते आए हैं उसकी ओर ले जाती है। द टैलेंटेड इंडिया के इस मंच पर आज हमारे साथ मालवी की ऐसी ही बड़ी हस्तियां मौजूद है। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, आप सभी का परिचय, हमारे तमाम सारे दर्शकों का परिचय मैं इन साहित्यकारों से करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं जाने माने मालवी और हिंदी के कवि वेद हिमांशु जी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से हिंदी और मालवी साहित्य की सेवा की है। हाल ही में वेद हिमांशु जी को मालवी में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा मालवी विधा में लेखन के लिए कई सारे पुरस्कारों से वेद हिमांशु जी सम्मानित हो चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश भंडारी यानी बाबू जी, और विगत 10 वर्षों से मालवी बोली के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं और मालवी के जितने भी प्रेमी हैं, उन सभी को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश मालवी जाजम के माध्यम से राजेश भंडारी यानी बाबू जी कर रहे हैं। मालवी को लेकर अपने समर्पण को देखते हुए कई सारी रचनाएं, और हाल ही में इनकी एक पुस्तक पचरंगो मुकुट जो है वह हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त कई सारे पुरस्कार सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सेवाएं दे ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मालवी बोली की सेहत को सुधारने का काम, और मालवी बोली के जो युवा लोग हैं, मालवी बोली से जुड़े हुए जितनी भी युवा प्रतिभाएं हैं, उन सबको एक साथ लाने का काम कर रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी जी, इस तरह की तमाम सारी हस्तियों के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं द टैलेंटेड इंडिया के इस मालवी हास्य कवि सम्मेलन की। और चूंकि बात मालवी की हो रही है, तो क्यों ना इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कार्यक्रम को मालवी भाषा में ही बनाया जाए, आप सभी तक मालवी भाषा में इस पूरे कार्यक्रम को पहुंचाया जाए। तो हम सब इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मालवी भाषा के साथ। और सबसे पहला वेद हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मालवी भाषा, मालवी बोली एक सबसे मीठी बोली है, मालवी को जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है, और मालवा क्षेत्र में जहाँ पर आज आप, हम और तमाम लोग हैं, आपसे जानते हैं, तो पहले जो होली होती थी उन्हीं होली में और आज की होली में कई अंतर है, और आपके जो आनंद पेला की होली को होता था, किस तरह से आप हमारे दर्शक का साथ साझा करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। आज का दौर में और पेला का दौर में जमीन आसमान पर अंतर लिखो है। आदमी अपना तनाव में और अपना जीवन की आपाधापी में अपना मन की जो उमंग गुण है उन सबके बुलबुली जो है रोजी रोटी का चक्कर में और तमाम तरह का तनाव में तनाव में इतना हो गया कि पेला की होली में जो मस्ती थी और जो आनंद थो, जो जबरदस्ती मतलब प्यार की जबरदस्ती जो मतलब की जाती थी, आज सब जो है बाजारवाद का दौर में ये सब हम अपने संस्कृति के भूलता ले गया है। रंग कहीं हुए आज की नई पीढ़ी जिजरा सामने और इतना सारा हो जाएगा, मतलब एलर्जी हो जाएगी तमाम तरह की सब बातें करें। तो आज मेरा याद आया वहाँ 30-40 साल पहले कि हमारा इंदौर में टोरी कार्नर की होली खूब बड़ बढ़िया होती थी, बड़ा गणपति की होली खुश होती थी और जबरदस्ती प्यार से उनके कड़ाव में डाल देता था और बिल्कुल भी पूर्व नहीं मानता था भी, और इतना मजा आ जाता था वंगीत तरंग वाली बात ही है। आज तो हम याद कर नहीं सका बस उसमें, और हमको तो स्थिति या आएगी है बाजार वासी के हम कल बात कर लिया था कि अरे होली आएगी। सही बात, मतलब यह आश्चर्य की बात है कि हम त्योहार हूँ
मालूम पड़ा जा रहा है होली आएगी दिवाली आएगी ना त्यौहार आएगी और पास का पास में आपके पड़ोसी रंग लगाना सोचो कि वो पीला जमुआ को तो छोटो भी जमुआ और पहला सी बात नहीं होती थी भैया महीना भर पहला से डांडो गाड़ियो जाता है और कई बोलो बहुत सारी बातें हैं। और आज मैं आपसे भी ये जानना चाहेंगे जैसे होली है पहला हमारा चाहे गांव की बात कराए शहर की बात कराए सब लोग के उत्साह है उम्मीद रहती थी कि होली को त्योहार आएगा और लोग के बहुत किफायती त्योहार का तौर पर लेना कहीं हिंग लगे अब आजकल के थोड़ा बोझ व्यवहार यार होली ही जानो पड़ेगा यह जो परिवर्तन है किस रूप से देखिए आप। देखो ये परिवर्तन एरियो में जो लोग है भी एक दूसरे से दूर हो गया है मेन चीज कोई का पास टाइम नहीं समय नहीं है उसका कारण से लोग जो है त्योहार मनाने में भी सिर्फ उसी दिन सोचे कि आज त्योहार मनाना जबकि पहला गए तो महीना भर पहला तो होली को डांडो गाड़ दिया जाता था फिर कंडा बेड़ा कराया जाता था फिर भुरभुलिया बनाया जाता था घर घर से बच्चा भुरभुलिया बनाता था और उनके फिर एक रस्सी में लेंगे और माला बने के डालने जाता था होली फिर पटेल गाँव को होली सवेरे जलाते थे तो उस बहाना से सब लोग इकट्ठा होता था उनमें एकता की भावना होती थी जो मौत गमी भी होती थी तो उनमें लोग एक दूसरा में रंग डालने भले छोटो बड़ो कोई जात वात कोई मतलब नहीं तो ऐसा गहन गंभीर मालवा की जो जगह है इसका कारण इसमें जो हुई जो थो वो अब सब खत्म होता जाएगी धीरे धीरे लोग जो है एक दूसरा से कटता जा रहा है मुँह बड़ो मुँह छोटो तो यह भावना आ रही है तो फिर भी त्योहार तो लोगों को मिलाने के लिए है और ये चलते रहना चाहिए। धर्मेंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व आप करी जाओ आज गांव में कैसी स्थिति आज का जो युवा है उनका अंदर होली के लिए कोई उत्साह है या अब धीरे धीरे खत्म हुई है। तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हुई है अगर देखा जाए युवा ज्यादातर नौकरी पे काम चली गया ठीक है कहीं ना कहीं नौकरी करी गया काम था तो उनके छुट्टी नहीं मिले पहला और फिर एक दिन मिले फिर घर आराम करने लगी तो रुकने फिर बहुत सारी एलर्जी और अभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए अगर हमारी फील्ड है रुकने हमारे बहुत सारी चीज को मालूम पड़े कि जो कलर है उनमें कई तरह का केमिकल है तो उनकी वजह से एक बार कलर लगाया तो उनके लाइफ टाइम के लिए कोई एलर्जी या कोई ऐसी स्किन में बीमारी भी तो बहुत सारी चीज इनसे भी युवा और नई पीढ़ी डरी थी आज बच्चा बच्ची के भी हम कहेंगे बेटा कलर नहीं खरीद ये ऐसा बहुत छोटा छोटा कारण है जिसकी वजह से हेल्थ पे भी बहुत नुकसान पड़ी थी पहला जैसे होता तो कलर केसोड़ी को थोड़ी थोड़ी कर लाता था कलर केसोड़ी का कलर के मतलब केसोड़ी के गर्म करता था पानी और फिर वो कलर बनता था वो छिटकता था परमानेंट हो और कोई साइड इफेक्ट नहीं था कोई नुकसान नहीं था तो उन्हीं वजह से भी होली में थोड़ा जो देखने को नया युवक जो कम हुई है उससे भी बहुत उन चीज पे फर्क और मालवा की में परंपरा ही रही है यहाँ जो होली है रंग तो ठीक है रंग का अलावा बात की होली गाली की होली और तरह तरह का ताना उलाना होली होती थी और जो बच्चा था मतलब मैं देखते हुए जब हम बच्चा था तो दुबड़ा में देर लग तो ऊना टाइप की होली थी तो चलिए अब चर्चा तो अपनी बहुत की अब हम काव्य पाठ की शुरुआत कराए नहीं आज की माधवी काव्य गोष्ठी की और पहली बात राजेश भंडारी जी बाबू जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज आपका खजाना से जो है कहाँ की बेहतर रचना हमारा दर्शक मंगा लिया आपकी क्या है ताजी ताजी रचना लिखी है मैंने और वो शीर्षक है उड़े उड़े रे गुलाल देखो होली में तो पढ़ू मैं आप सबकी इजाजत से के उड़े उड़े रे गुलाल मारा मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल मारा मालवा में लाल हुआ गाल लाल देखो मालवा में काल हुआ लाल लाल देखो मालवा में प्यारी मारी इंदौर नगरी खूब यहाँ पे होली जमरी प्यारी मारी इंदौर नगरी खूब यहाँ पे होली जलरी छोरा छोरी होली खेले रंग रंगीला चेहरा डोले छोरा छोरी होली खेले रंग रंगीला चेहरा डोले होली खेले रे लड्डू गोपाल मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल देखो मालवा अगलो बंद पढ़ू के घड़ी मचे रे धमाल देखो मालवा में टोरी कार्नर की गेर निराली टोरी कार्नर की गेर न्यारी घोड़ा हाथी गाड़ी लारी ऊंची ऊंची धार रंगरी मस्ती और ढंडाई भंगरी और काला
पीला और गुलाबी गाल मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल देखो मालवा में घनी मचे रे धमाल देखो मालवा में। और मौत हमारी यहाँ मौत गमी को भी शोक जो दिवाली में शोक मनावे जाए कि मौत गमी को शोक मनावा रंग डालवा सबका घर जावे। मौत गमी को शोक मनावे रंग डालवा सबका घर जावे। छोटा बड़ा से कई फर्क नहीं पड़ियो जाति धर्म का नाम पे नहीं लड़ियो। एकता की घणी रे मिसाल मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल देखो मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल देखो मालवा में। बड़ा बूढ़ा का पगे लागे बड़ा बूढ़ा का पगे लागे आशीर्वाद से भाग जागे आशीर्वाद से भाग जावगे बेन भाभी के भी रंग लगावे मर्यादा को पाठ पढ़ावे संस्कारों को घनो बड़ो जाल मालवा में उड़े उड़े रे गुलाल देखो मालवा में घनी मचे रे धमाल देखो मालवा में। तो यह एक बहुत ही सुंदर अभी रचना हमारे बाबूजी ने पेश करी और इन्हीं रचना से बहुत सारी याद जो है हमारी ताजा हुई अभी कि जिस तरह से पहला की होली होती थी उसको कई महत्व था और किस तरह से एक संस्कार का बंधन में बंधी किया अपनी मर्यादा तरीके से होली को त्योहार खेलता था। हमारा अगला प्रतिभागी जो है वे हिमांशु जी है और आप उनसे जाना कि आज जो है होली का इना पर्व पे कहां की विशेष रचना के लिए आया है हमारा तमाम सारा दर्शकों का। हमारा ऐसे राजेश भाई ने इससे सुनाए उड़ाज रंग में मैं आपके देश की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमके कभी कभी समझ में नहीं आया कि योग कहीं हो रही हो सकेगा। रोज अखबार में पढ़ा कि योग हो रही है जो हो रही है तुम्हारा मुंडा से कई बार निकली जाए कि भैया योगी रावट बोलो है तो इस बात पर तुम क्यों बोलो है भैया योगी रावट बोलो है तुम्हें खेत में भांग क्यों भोलो है भैया योगी रापट रोलो है। होली का राखोड़ा में सेकिरिया होलो है होली का राखोड़ा में सेकिरिया होलो है योगी रापट रोलो है तुम्हारा काम तो कहीं समझ में नहीं आवे के का कालो काम धोलो है अरे बता तो सही धर्मन भाई तुम कितना सहना हो मारे मती समझाओ स्वभाव तुम्हारो बम बोलो है योगी रापट रोलो है अरे योगी रापट रोलो है। एक बात खास बोल रहा ईमान की ताकड़ी में ईमान की ताकड़ी में बेईमानी को सोदो क्यों तोलो है ईमान की ताकड़ी में बेईमानी को सोदो क्यों तोलो है योगी रापट रोलो है सांता सरी की गन्ने जैसी सांता सरी की मिठी जबान भगवान ने दी तो भाई कड़वा बोल बहुत अच्छी मालवी की एक ऐसी या जो है रचना थी जिसमें व्यंग भी है और कहीं ना कहीं समाज में छोटा सा प्रहार भी है उन सब लोग की सोच पे जो कहीं ना कहीं बाहर से अलग और भीतर से थोड़ा अलग है। मैं बहुत सारा शब्द मालवी का आपने इस तरह का इस्तेमाल किया जिनके लोग गंदा दे गया है जैसे होड़ो यानी कि चना के जो सेकी के सांटो यानी गंदा के तो बहुत अच्छे सामंजस्य जो शब्द है वो हमारे लिए रचना में देखने के मिले। और अब एक युवा गीतकार एक अपना शब्द से जो है सबको बांधने वाला हमारा बीच में एक रचनाकार भी मौजूद है तो आप दो से हम जानना चाहें कि आप धर्मेंद्र की इजाजत दो ताकि बिल्कुल अच्छा होली की बात चली गई और होली अलग अलग तरह की होती है कलर की भी होली हो फटाखा की भी होली हो लड़े झगड़ो देखो तो खून की होली हो एक होली और है दुख की होली भी होती है और बात दुख की होली गाँव वाला छोरा ना का पक्ष है अब उनमें गए हुए एक छोरो हमारे गाँव को के कम उम्र की छोरी से ब्याह कर ठीक है छोरो 21 साल को और छोरी 11 साल को बड़ी विकट परिस्थिति उपमे छोरो गीत में अपनी भावना ना के सुने रहो
के हूँ तो बस दैरियो क्यों परने लायो वैसी छोरी के हूँ तो बस दैरियो क्यों परने लायो ऐसी छोरी के सासू ले जा थारा साथे थारी गेली छोरी वाह 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 के पाँचा फूंदिया खेले चिपक छैया छोटा छोटा छोरा छोरी के भेले के रूतल रूतल मतलब भाई मन के रूतल खुद खेले ने लड़वे दया टोरिया टोरी के सासू ले जा थारा साथे थारी गेली छोरी के। अब मतलब दूल्हा लाया दुल्हन को स्वागत की रात और गया वो कमरे में और उसने जो भी तो उससे गलती हुई तो अब गीत में सुनाते कि मारे से यह गलती हुई कि माथा से चुनर सर कही कि मारे से यह गलती हुई कि माथा से चुनर सर कही नेत्रा सामे या गेली बांको फाड़ी ने चिल्लाई समझे या प्यार मोहब्बत की मस्तानी बोली के सासू ले जा थारा साथे थारी गेली छोरी के। और एक आखिरी लाइन जो जमाई ने सासू से किए कि सासू की किलो तो ना गेली छोरी की नहीं है तो सासू ने क्यों देखो छोरी छोटी है अभी थोड़ा सा कम ध्यान रखो तो उस शब्द का कैसे जवाब दे रहे हो जमाई के जी की दुखे है पासू उके आवे आंसू के जी की दुखे है पासू उके आवे गांसू तू कई समझे मारो दुखड़ो तू भी गेली है सासू गेली समझे या प्यार मोहब्बत की मस्तानी बोली के सासू ले जा थारा साथे थारी गेली। वाह भाई वाह भाई दर्शन बहुत बढ़िया रचना धर्मन देखी थी और कहीं ना कहीं आज का हमारा गांव में जो एक तरह की कुरीति की सत्ता है जिसके की बहुत कम ज्ञान का अभाव में लोग जिस तरह की कर देंगे कभी कभी 21 साल को लड़को 11 साल की लड़की तो कहीं ना कहीं संदेश भी रचना में कई तरह की हेमा मालिनी के जाने वाकर से फांदी आज राजेश खन्ना से टून टूनी फांदी ऐसा तो ये बहुत अच्छी रचना है काश की लोग इसे समझे और इन्हीं चीज में धीरे धीरे बदलाव आने की शुरुआत हो। बहुत अच्छी हमारी राजेश साहब आपसे हम जानना चाहेंगे इन्हें दौरान बीच में कि भाषा की जो होली है बोल चाल की जो होली है कभी कभी हम कोई ऐसा शब्द दिया जिससे हम दुश्मन में तब्दील हो जाए जान पहचान और कभी कभी हम बिना अनजाना व्यक्ति की जब हमारे गांव में कोई पानी पीने आता तो उसे इतनी मिठास से बोलता था कि जब भी आता गांव से हमारे से मिलते और सो भाषा में किस तरह का बदलाव आया है और यहाँ त्यौहार पे किस तरह को बोली चाली के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा। देखो भाषा को जहाँ तक सवाल है मालवी बोली जो है इतनी मीठी बोली है कि यहाँ की कहावत भी है कि मालो माटी गहन गंभीर और पंख पर रोटी डगर नीर। तो हमारे यहाँ कोई पानी पीने भी आए तो उनको इतने प्रेम से बात करी के भी बिठाया जाए कि आओ साहब बैठो साहब उनके बाकायदा भोजन को भी पूछ ले कभी कभी। तो लेकिन अब तो जमाना ऐसा ही क्योंकि पानी पीने वास्ते पूछने में भी डर लगे तो क्राइम हुई आसपास शहर हुई है पहले गाँव ज्यादा था शहर कम था अब शहर ज्यादा हुई है गाँव कम हुई तो स्थिति यह बनेगी कि अब जो है लेकिन भाषा मालवी इतनी मीठी है इके बोलने में और इके सुनने में और इका केवाड़ा इके कहावत इका गीत शादी का गीत ब्याह का गीत वार्ता कहानी जो वार्ता बचपन में अपने सुनी है वार्ता तो इसमें इतनी मिठास है कि इकी जो है हमने किताबों में भी रखी है क्योंकि यह शहरी बोली पे ऊपर हावी होती जा रही है तो का कारण से कहीं हो कि यह चीज खत्म होती जा रही है क्योंकि तो जितनी कागज पे वीडियो पे कवि सम्मेलन में साहित्य में जितनी चीज आएगी वो आपके अगली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाएगी अदरवाइज लोग भूल ही जाएगा। अच्छा आजकल ये भी देखने में आए हैं कि हम सब मालवी से आया है और खासकर जो मालवा प्रांत है उनको संबंध रहने के मालवी से जरूर बिल्कुल पर लोग जान करिए एक शर्म में महसूस करते एक कहावत है मालवी की जो हमारे याद बचपन में हुआ करता कहता कि खाती थी खेजर और होती थी काट और जिके मिलेगी खाट तो बढ़िया खाट बढ़िया वह स्थिति जो है हम यहाँ देखने को मिली उके किस तरह से स्थिति क्या हो कहीं हुआ है कि जो शहरीकरण बढ़ियो है और शहरों में जो बाहर का लोग आई के रहे है ये लोग कई है कि जो मालवा का जो लोग है उनके थोड़ी सी इकारत की नजर से उनकी भाषा के इकारत की नजर से देखें तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि उसको मालवी भाषा को सम्मान देना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात क्योंकि 2 करोड़ लोग मालवी बोल रहे हैं आज की तारीख तो मालवी को सम्मान होना बहुत जरूरी है और एक पीछे जाने को यही कारण है कि लोग ने कि ग्रामीण भाषा को नाम दे दिया ग्रामीण भाषा कहीं नहीं हुआ हमारा मालवा की हमारी मालवी भाषा है और इसे सम्मान मिलना चाहिए तो क्यों नहीं फिर से एक बार काव्य की परंपरा के हम आगे बढ़ाएं बिल्कुल और अब की बार वेजमान जी आप कहीं नए पेश करिए आपसे हम शुरुआत कराएं।
होली का टाइम है और हाथ भी हमको दूर है सोचू के थोड़ा सो खेलो भाई। अभी कहीं कि हमने दो त्यौहार और मनाया है राष्ट्रीय त्यौहार। तुम्हारा धर्मेंद्र भाई ने जो दिन मान सकता की कविता उससे सुनी थी तो कहीं हुए हमारे यहाँ कभी कभी हम लोग को के चौदस और पूनम एक साथ आई जाएल हो जा वो तो बस दो दो तिथि एक साथ आई जा तो अब आपके ज्यादा नहीं बोलो कविता से ही आप उसको आनंद लो। कभी कभी ऐसा होए कि दो त्यौहार एक दो नहीं जाए कभी कभी ऐसा होए कि दो त्यौहार एक दो नहीं जाए तो मन भरो फूलो नहीं समाए तो मन भरो फूलो नहीं समाए इन्हीं बार भी मन मारो मस्त हुई जो इन्हीं बार भी मन मारो मस्त हुई जो 26 जनवरी के पत्नी गई पियर तुम्हारो 15 वर्ष थी जो क्या बात है क्या बात है। कभी 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 ऐसो होए कि दो त्योहार एकदम नहीं जाए तो मन मारो फूलो नहीं समाया इन्हीं बार भी मन मारो मस्त हुई जो 26 जनवरी के पत्नी गई पियर तुम्हारो 15 अगस्त मरी गयो रोज वो डंडो ले रहती थी रोज वो डंडो ले रहती थी मैंने झंडो ले रही थी रोज रोज वो डंडो ले रहती थी मैंने झंडो ले रही थी। सुनो तो सही भाई सुनो तो सही कविता अभी नहीं हुई है खत्म सुनो तो सही कविता अभी नहीं हुई है खत्म तुम तो हंसी रहा हो तुम तो हंसी रहा हो पर मारो पे हुई घरों सितम तुम तो हंसी रहा हो पर मारो पे हुई घरों सितम वो अभी तक पियर से वापस नहीं आई वो अभी तक पियर से वापस नहीं आई है मारा नीला पे मार दियो भेलो मारा नीला पे मार दियो भेलो और माथा पे जो लगी गयो देखो कि पियर से उसने फोन कर दियो कि हूं तो रोज आनंद की थाली सजे रही हूँ तो हूँ तो रोज आनंद की थाली सजे रही हूँ तुमने तो एक दिन बनायो पर हूँ तो रोज 15 अगस्त तो रोज 15 अगस्त बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी रचना वेद हिमांशु जी ने पेश करी और कहीं ना कहीं जो पत्नी को दुखड़ो रहेगा आम आदमी के वो उजागर हुए और अच्छा एक चीज यहाँ भी है कि हमारे मालवी में सहज हास्य का जो भाव है वो बच्चा बच्चा में और तमाम सारा लोग में जैसे एक हमारे प्रसंग याद आया कि एक बार गांव में दो छोरा छोरी पास में बैठे हुए बात करी जाए तो छोरा छोरी से बोले कि देख तू अगर मारी नहीं हो सकती तो कोई की भी नहीं हो सकती। क्या बात है। बोले तू अगर मारी नहीं हो सकती तो कोई की भी नहीं हो सकती तो कहने से काका जी रहा था तो उन्होंने क्यों रे या बता कहीं थारी हो जाते गांव की हो जाए सहज हास्य रंग है जो मालवी में है। और राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे आपका खाता में से कौन सी एक बेहतरीन रचना जो है। एक हमारे मालवा में कहावत है मेदा के पिंड के लई गयो पागलो क्या तो कोई खूबसूरत लड़की और उसकी कोई की शादी काला आदमी से हो जाए तो के जो है तुम्हारा मेदा के पिंड के लई गयो पागलो तो रचना बेहतर कि मालवा की एक नानी के शेर में आई के वो प्यार मालवा की एक नानी के शेर में आई के वो प्यार श्याम वर्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई आंखा चार श्याम वर्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई आंखा चार बाप बोलियो समाज में कहीं दिखावांगा मुंडो बाप बोलियो समाज में कहीं दिखावांगा मुंडो ताबड़तोप कहीं ना कहीं रास्तों जल्दी ढूंढो ताबड़तोप कहीं ना कहीं रास्तों जल्दी ढूंढो बड़ा बूढ़ा ने समझाया नाना अबे मती अकड़ो बड़ा बूढ़ा ने समझाया कि नाना अबे मती अकड़ो जल्दी से अभी को ब्याह को रस्तो पकड़ो जल्दी से ब्याह को रस्तो पकड़ो माँ बाप ने भी आओ देखो ने ताओ आखा तीज पे मांडी दियो ब्याह माँ बाप ने भी आओ देखो नो ताओ आखा तीज पे मांडी दियो ब्याह तो डार्क कलर लाड़ो इतरा तो हो लायो बरात डार्क कलर लाड़ो इतरा तो हो लायो बरात सबने खूब दारू पी ने आखी रात सबने खूब दारू पी आखी रात और आयो विदाई को टेम सबकी आंखा हुई थी नम बाप से ज्यादा कौन जाने क्या बात है वाह 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 कोई नहीं छिप आयो विदाई को टेम सबकी आंखा हुई थी नम आयो विदाई को टेम सबकी आंखा हुई थी नम कोई भी नहीं छिपाए पायो विदाई को गम एक बाप से ज्यादा
विदाई को दर्द एक बाप से ज्यादा कौन जाने, प्यारी बेटी भी अब जाया बिना नहीं माने, और आंधा छेड़ा में से काकी भाभी रोई रही थी। आंधा छेड़ा में से काकी भाभी रोई रही थी। भाई बोलो बेन थारी याद घनी आवेगी, भाई बोलो बेन थारी याद घनी आवेगी, अबे महाराज से लड़ाई ने लाड़ कौन लड़ावेगी। बाप बोलो मत जा महारी प्यारी नानी, बाहर से आवा पे अब कौन देवो मारे पानी। बाप बोले मत जा नानी, बाहर से आवा पे मारे कौन देवो पानी। माँ बोली मारो तो भावे लियो दोगलो, मारा मिर्जा का पेंट के ले गयो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी व्यथा भी है परिवार की। नहीं नहीं, और एक आज का दौर में जो प्रचलन चली हुआ लव मैरिज, हमारे साथ देखने के मिलेगा हमेशा, अधिकतर ऐसा देखने के मिल रही है आजकल की अच्छी खूबसूरत छोरी सब जो है साउथ इंडियन लड़का उन पसंद है। पढ़ाई लिखाई या काम का दौरान नहीं, हाँ वो सब चले। और गांव का लोग थे भी नहीं समझे वहाँ। नहीं, लेकिन आप देखो तेजी से यह चीज एक्सेप्ट करी है लोग, गांव में भी अब ये चीज तेजी से एक्सेप्ट करी है। पहला अपन 20-25 साल पहले जाए तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी, लिटर कास्ट मैरिज या लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती थी। अब यह तेजी से मालवा में एक्सेप्ट हो रही है और बढ़िया बढ़िया लव मैरिज हो जाए और सब राजी खुशी है। चलो तो चलो अभी अपन आगे बढ़ाएं यात्रा के। और धर्मेंद्र जी, आपसे हम फिर से एक बार जो है एक नयो गीत और एक बेहतरीन गीत सुनना चाहेंगे, या फिर जो आपकी पसंद की हुई रचना आप कहीं बताना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो हमने लड़का की भावना सुनी जी, मतलब पहला गीत में जो सुनी थी वो लड़का की भावना। तो लड़की के भी कोई बड़ी उम्र का लड़का से शादी हुई, मान लो 18 साल की लड़की अनु की शादी हुई की 35 साल का लड़का, तो फिर वो अपनी भावना ने कैसे व्यक्त करी कि ना गीत का माध्यम से मैं बताऊँ। नार नवेली घनी छाऊ थी लाज शरम से गड़ गयो, अरे नार नवेली घनी छाऊ थी लाज शरम से गड़ गयो, मारा करम की बात कहूँ एक बुढ़ो पल्ले पड़ गयो ओ कदी साड़ी जे वर लियावे, मतलब पत्नी को पटाना तो है छोटी उम्र की है तो वो बात तो देखना बात तो कुछ दुखी, मतलब मुंडो खुले के बैठी कर दी। तो कदी साड़ी जे वर लियावे, कदी बाका बीच घुमावे, कदी साड़ी जे वर लियावे, कदी बाका बीच घुमावे, मके बतलावे श्री देवी, मके बतलावे श्री देवी, न खुद अमिताभ बन जाए, मके बतलावे श्री देवी, न खुद अमिताभ बन जाए, मुँह पे रोप जमावा खातिर, वहाँ पे रोप जमावा खातिर, वो टुन टुन से भिड़ गयो, पल्ले पड़ गयो, अरे रर पल्ले पड़ गयो। वाह अरविंद जी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। आधी आधी रात आयो आवे अबू काम जमे समझ हो रहा है, काम समझना पड़े। तो आधी आधी रात आयो आवे रबड़ी का तो न्यालावे, आधी आधी रात आयो आवे रबड़ी का तो न्यालावे, मैं गहरी नींद में सोऊं, मैं गहरी नींद में सोऊं, बेदर्दी मके जगावे, मारी पायल खन 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 के, मारी पायल खन 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 के, नथनी को मुंगो झड़गो, पल्ले पड़गो, अरे रर पल्ले पड़गो, बुढ़ो पल्ले पड़गो, अरे रर पल्ले पड़गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बाकी धर्मेंद्र जी। और वाकई जो है, और कहीं ना कहीं मालवी में जैसे हम लोग बचपन से गांव में चलिया बढ़िया या तमाम सारा भी लोग जो गांव में रिया होगा तो इन चीज़ का समर्थन में है कि मालवा की जो परंपरा रिवायत थी त्यौहार मनाने की वह सबसे अलग रही है। तो मैंने 4-5 कोशिश करी आप कि लोग होंड जब झेड़ा हुई के रंग लगाने निकलेगा, वह लोग होंड जब झेड़ा हुई के रंग लगाने निकलेगा, जदे हमारा गांव में फिर होली को रंग, लोग होंड जब झेड़ा हुई के रंग लगाने निकलेगा, जदे हमारा गांव में फिर होली को रंग बिखरेगा, और छोरा छोरी साते साते नाचे गावे का झूमेगा, छोरा छोरी साते साते नाचे गावे का झूमेगा, माहौल बनेगा मस्ती को प्रेम को रंग बिखरेगा, और कोई पढ़ेगा कोई लड़ेगा कोई झूमेगा झगड़ेगा, कोई पढ़ेगा कोई लड़ेगा कोई झूमेगा झगड़ेगा, किमाड़ घर का बंद दिखेगा नाना मोटा सब दुबड़ेगा, किमाड़ घर का बंद दिखेगा नाना मोटा सब दुबड़ेगा, और धीमी आंच पे चढ़ी कढ़ाई
मिठास नवी फिर महकेगा। धीमी आंच पे चढ़ी कढ़ाई पानी ले मिठास नवी फिर महकेगा। छाछ में फिर से भांग बढ़ेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। छाछ में फिर से भांग बढ़ेगी। थोड़ा छापरा महकेगा और जातरा है होली किया जो नी आवेगा तरसेगा। जातरा है होली किया जो नी आवेगा वो तरसेगा। और यह गांव की होली है दादा यहाँ आनंद तोरण बसे। और बस एक साथ हम चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से त्योहार को भाव खत्म हुई जो है अपनी भाषा से हम जोड़ दिया, आप सब कहीं सोचे किस तरह से मानवी की एक बार फिर से हम जीवित कराएं, फिर से लोग के करीब लाएं और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह कम से कम घर में मानवी भाषा को इस्तेमाल करें, मानवी बोली का इस्तेमाल करें। ये आप सब बिल्कुल मानवी के लिए हमको जो है जन जन तक पहुंचानी है। और हमारे जो शहरों में स्पेशली जब जब हम गाँव का या मालवी बोलने वाला लोग है इनके शहर का लोगों से हम जब हमारी बात करांगा तो ये अपने आप समझेगा कि हम कहीं बोले गए। और इनका मन में जो असम्मान की भावना है वो असम्मान की भावना में परिवर्तित करने को मिशन हमने लियो है और ये मिशन हम पूरा करांगा। इसके लिए जो भी हम कर ही रहे हैं, कई कार्यक्रम कर ही रहे हैं, मालवी जाजम लगे रहे हैं, लिखी रहे हैं, साहित्य पेपरों में लिखी रहे हैं, तो ये सब चीज़ चली रही है और इसको पूरा जो कार्यक्रम मिशन चले वो जन जन तक मालवी पहुंचेगी और मालवी के राजभाषा बनाने की भी पूरी तैयारी हमने कर ली। बहुत अच्छी बात बताई आपका माध्यम से फिर और आगे बढ़ेगी मालवी। एक बात मैं बना इतना संदर्भ में जुड़ी बताऊँ कि हमारी एक बेटी मराठवाड़ा में है और एक बेटी है गुजरात में। तो मैं साल छः महीना में वहाँ पर जाता हूँ तो सबसे बढ़िया बात हमारे यहाँ देखने में ही गुजरात में कि वहाँ का बाजार में सब साइन बोर्ड दुकानों का गुजराती में आपस में लोग बात करें गुजराती में करें। और मतलब ऐसी स्थिति हुई है कि लगे कि हाँ भाई हम गुजरात में हैं। इसी प्रकार से एक जगह है परभणी मराठवाड़ा में औरंगाबाद जिला में है, वहाँ मेरी बड़ी छोटी बेटी है तो वहाँ सब मराठी में बोले, मराठी में उनका साइन बोर्ड मिले और सब कुछ मिले। तो मैं ये सोचूं मतलब बड़ो दुख है हमारे कि यह बात जब वहाँ पे हो तो अपन मालवा में मालवी बोलने में क्यों शर्म कर रहे हैं। कोई अपन कोई के बात यदि मालवी में कर रहे तो जी के कह रहे हैं तो टेपो है। टेपा शब्द की जहाँ तक बात है टेपा शब्द हमने नहीं दियो है, टेपा शब्द जो है लोगों ने ऐसा बने जो कि जैसे पागल आदमी मालवा का आदमी मूर्ख नहीं है, बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, घोड़ो जरूर है, आप उनके घोड़ो कह सको। टेपा शब्द का मैं टोटल खिलाफ मैंने पेपर में कई आर्टिकल टेपा शब्द का ऊपर लिखा कि टेपा शब्द की गलत ही मीडिया वालों ने उछाले रखे है कि टेपा शब्द मेरा पूरा ऑब्जेक्शन है कि कोई भी मालवा का आदमी के टेपो नहीं बोले। हम सबसे शुरुआत अपना घर से करा ताकि कहीं है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह मालवी को मिठास मतलब जाने और घर से ही शुरू कर गए तभी हम समाज में जी सकें। तो यह हमारी एक पीड़ा है तो इसको सबके मतलब मैं इससे साझो करना चाहूँ आपसे कि हम हीन भावना से इसे हटे जाओ और अपना मालवी का शुक्र शुक्र ले जाओ। आपसे चलते चलते अपनी बात कर जो बात कहनी थी वो कह दी हमने सब बताई बिल्कुल। तो बस यही एक हमारी भी एक ऐसी विनती है और या तमाम सारे लोगों की भी सोचने की बात है कि मान ली कि हम अपना घर से ही शुरू करा, हम अगर अपना बच्चा बच्चियों के साथ में उनमें संवाद करना शुरू करांगा तो कहीं ना कहीं मान ली के साहित्य का भी स्थान मिलेगा, अपना बच्चा बच्चे के भी कहा कि आप भी बोलो बाहर जाके बोलो। हम मैं बड़ा सा बड़ा मंच पे मालवी पढ़ू है कॉलेज में जहाँ सेमिनार्स हो तो भी पूछे कि विच लैंग्वेज डू यू लिख, तो मैं बोलता हूँ मालवी में समझो साहब आप अगर पढ़ी सको तो हमारी मालवी का मंच बड़ा बड़ा मंच पे भी चलेगा। तो आज टैलेंटेड इंडिया पर आपने सुनी या मालवी काव्य गोष्ठी और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाषा को स्वरूप खत्म होते जा रही है, भाषा को महत्व खत्म होते जा रही है, उना दौर में इस तरह की छोटी छोटी जो बोली है और बल्कि मालवी तो अपने आप में समृद्ध और बृहद बोली है, इसे आगे लाने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो हमारा डॉक्टर राजेश भंडारी यानी बाबू जी ने, वेद हिमांशु जी ने और धर्मेंद्र चौधरी जी ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं मालवी के आगे ले जाने का लिए तमाम सारी बात जो है सार्थक सिद्ध होगा और आने वाला दिन में मालवी को महत्व, मालवी को प्रचलन और घर घर से या हर व्यक्ति का द्वारा मालवी भाषा में संवाद मालवा प्रांत में देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामना का साथ में हमारा तमाम सारा दर्शक होने के टैलेंटेड इंडिया परिवार और यहाँ मौजूद सभी मेहमान की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामना। आप सभी का लिए त्योहार संपन्नता से, सुख से और जो है बेहद ही खुशी से संपन्न हो, इन्हीं शुभकामना के साथ हमारे सबकी इजाजत दीजिए। नमस्कार।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।